इंडिया गठबंधन है कुछ, जब चुनाव होता है तो आपने देखा कि कांग्रेस समाजवादी के ख़िलाफ़ क्या बोल रही थी, अखिलेश कांग्रेस के ख़िलाफ़ क्या बोल रहे थे, ममता क्या बोल रही थी। तो ये तो एक बैठक हो रही केवल अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये केवल इनका मकसद अब अपनी पार्टी के केवल अस्तित्व को जो, लेकिन चुनाव में जनता का जो जनादेश आया है, आगे 24 के चुनाव में आप देखिएगा कि इनका क्या उद्देश्य है, कि केवल इकट्ठा हो करके इनको मोदी जी का विरोध करना है। और मोदी जी को क्या है कि देश को 3 ट्रिलियन से आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में ले आए, 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी कर रहे हैं। तो वो पूरी अपने देश के लिए समर्पित, देश को ऊंचाइयों पे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो आज ये किसी को लाए नाम, किसी को कुछ है, तो जो एक बार, मतलब खोटा सिक्का एक बार चलता बार बार नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे, ये विपक्ष ये कहते हुए कि डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है सरकार, आज इस सदन में कितने महत्वपूर्ण बिल थे, 163 साल पुराना IPC जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था एक दंड देने के लिए, पेनल करने के लिए, और आज उसको रिपील करके लोगों को जस्टिस देने के लिए एक तरह से लॉ में ज्यूरिसप्रूडेंस आया, तो उसमें भी आज जिस तरीके से सदन में लगातार 2 दिन से कर रहे थे, आखिर विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार है। जनता ने इसलिए चुन के भेजा है कि वो मुफस्सिल कोर्ट के ज़माने से, अंग्रेजों के बनाए हुए तीनों कानून से, भाई देश को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन देश के अंग्रेजों के कानूनों से तो आज आज़ादी आज 2023 में मिल रही है। इसके लिए धन्यवाद देंगे कि लॉर्ड मैकाले ने इस देश में बाबू पैदा करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, आज उस एजुकेशन पॉलिसी से भी लॉर्ड मैकाले से अगर छुटकारा दिलाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आज उसी लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस देश पर राज्य करने के लिए, लोगों को पनिश करने के लिए कानून बनाए गए थे, आज उस मैकाले के उस काले कानूनों से भी अगर छुटकारा दिला रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसको गृहमंत्री जी प्रस्तुत किया, और वो सदन के बाहर बयान दे रहे हैं। इससे अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनको फेथ नहीं है।